अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो और कतर की अहम तरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्क्रिप का पूरा देखिए। चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में दोस्तों मिलती रहे। तो साथियों, आज की वीडियो में दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप के बारे में बहुत ही बड़ी बड़ी अपडेट दोस्तों आपको बताने वाला हूँ, सभी जानकारियाँ आपको मैं देने वाला हूँ। तो फीफा वर्ल्ड कप के बारे में दोस्तों यदि पूरी डिटेल के साथ आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी मुकम्मल जानकारी आपको मिल सके। तो साथियों आपको बता दूँ, फीफा वर्ल्ड कप के लिए अनाउंसमेंट जो किया गया था वो 2010 में ही किया गया था कि अगला जो 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो कतर में करवाया जाएगा। तो करवाने के साथ ही दोस्तों ये अनाउंसमेंट किया गया था कि ये 20 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर तक कतर में 2022 को खेला जाएगा, जिनमें से लगभग 32 टीमें इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। ग्रुप स्टेट मैचेस जो होगा वो 20 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक, यानी दोस्तों जो ग्रुप का जो मैचेस होगा वो 20 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक करवाया जाएगा। क्वार्टर फाइनल जो मैच होगा वो 9 से 10 दिसंबर तक क्वार्टर फाइनल मैच करवाई जाएंगी। यदि सेमीफाइनल मैच के बारे में बात करूँ तो दोस्तों 13 से 14 दिसंबर तक सेमीफाइनल मैच चलेगा और फाइनल होगा 18 दिसंबर को। तो 18 दिसंबर को दोस्तों ये फाइनल मैच खेला जाएगा। कौन कौन सी कंट्रियां इसमें क्वालिफाई की हैं, यानी दोस्तों जितनी 32 कंट्रियां हैं, वैसे तो आप इसमें फ्लैग को आप देख सकते हैं, यदि आप फ्लैग को पहचानते हैं तो आप समझ जाओगे, पर मैं आपको एक एक करके नाम भी बता देता हूँ। तो इसमें पहली टीम है अर्जेंटीना, बेल्जियम, ब्राज़ील, क्रोशिया, डेनमार्क, इंग्लैंड, फ्रांस, ईरान, कोरिया रिपब्लिक, नीदरलैंड, कतर, सर्बिया, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड, जापान, सऊदी अरेबिया, इक्वाडोर, यूरुग्वे, कनाडा, घाना, सेनेगल, पुर्तगाल, पोलैंड, टूनिसिया, मोरक्को, कैमरून, यूएसए, मेक्सिको, वेल्स, ऑस्ट्रेलिया और कोस्टा राइसा। तो ये सभी 32 कंट्रियां जो हैं दोस्तों इस बार पार्टिसिपेट करने वाली हैं। अब इसमें स्लोगन दोस्तों कौन सा कतर कप में इस्तेमाल, ये तो दूसरी बातें हैं। अब दोस्तों मैं बताता हूँ व्हाट इज़ द एम्बलम ऑफ फीफा वर्ल्ड कप, मतलब एम्बलम उसका क्या होगा। तो साथियों यदि बात करूँ तो फीफा वर्ल्ड कप के लेकर लगभग वहाँ पे 8 नए नए स्टेडियम को बनाए गए हैं, जिसके बारे में आप सभी भाइयों को बखूबी पता होगा। जो 8 वेन्यू होगा दोस्तों, टोटल वहाँ पर 64 मैच करवाए जाएंगे, यानी 8 स्टेडियम में लगभग 64 मैच वहाँ पर खेला जाएगा। तो कौन कौन सा स्टेडियम है, अलबैत स्टेडियम, खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम, अल्थुमामा स्टेडियम, अहमद बिन अली स्टेडियम, लुसैल स्टेडियम, स्टेडियम 974, एजुकेशन सिटी स्टेडियम, अल जनूब स्टेडियम। तो ये 8 स्टेडियम है दोस्तों। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ये सभी स्टेडियम जो है वो नए बनाए गए हैं जब फीफा वर्ल्ड कप के लिए अनाउंसमेंट किया गया था कि कतर में अगला जो फीफा होगा वो कतर में होगा, तो सभी के सभी नए स्टेडियम को बनाए गए हैं। इसमें सबसे बड़ा जो स्टेडियम दोस्तों है, इसमें जो सबसे बड़ा स्टेडियम दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले अलबैत स्टेडियम में 60,000 लोग बैठ पाएंगे, खलीफा इंटरनेशनल में 40,000 लोग, अल्थुमामा स्टेडियम में 40,000 लोग, अहमद बिन स्टेडियम में इसमें भी 40,000 स्टेडियम वहाँ पर लोग दोस्तों वहाँ पर बैठ जाएंगे। सबसे बड़ा स्टेडियम होगा लुसैल स्टेडियम, जिनमें से लगभग 80,000 लोग बैठने की उम्मीद जताई जा रही है। अब दोस्तों इसमें बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से ग्रुप होंगे। तो ग्रुप में दोस्तों पहले एक ग्रुप में होगा कतर, इक्वाडोर, सेंगल और नीदरलैंड। ग्रुप बी में होगा इंग्लैंड, ईरान, यूएसए और वेल्स। ग्रुप सी में है अर्जेंटीना, सऊदी अरेबिया, मैक्सिको, पोलैंड। ग्रुप डी में है फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, टूनिसिया। ग्रुप ई में है स्पेन, कोस्टा रिका, जर्मनी एंड जापान। ग्रुप एफ में है बेल्जियम, कनाडा, मोरक्को, क्रोशिया। ग्रुप जी में है ब्राज़ील, सर्बिया, स्विट्ज़रलैंड, कैमरून। ग्रुप एच में है पुर्तगाल, घाना, यूरुग्वे, कोरिया रिपब्लिक। तो ये सभी दोस्तों ग्रुप वाइज डिवाइडेड किया गया, लगभग एच ग्रुप तक डिवाइड किया, यानी दोस्तों मान के चल सकते 8 ग्रुपों में इसे बांटा गया है। तो ये पूरी दोस्तों जानकारी थी जो मैच होने वाला है कतर में फीफा वर्ल्ड, इसके बारे में यदि कोई और भी जानकारी आप चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए। अब इसमें यदि आप फीफा वर्ल्ड का मैच देखने जाते हो तो आप कहाँ कहाँ पे स्टे कर पाते हो, यानी कहाँ कहाँ पे रुकने का इंतजाम किया गया है। तो जैसे कि अपार्टमेंट्स पे वहाँ पे रुकने का इंतज़ाम है, विलाज में है, होटल्स में, क्रूज शिप में, हॉलीडे होम्स में, फैन विलेज में, यदि आपका कोई फैमिली मेंबर हो, यदि कोई फ्रेंड्स वगैरह रहते हो तो वहाँ पर भी आप गेस्ट के तौर पर वहाँ पर भी आप रह सकते हो और पूरे मैच का दोस्तों वहाँ पर आनंद उठा सकते हो। अब ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करूँ दोस्तों, तो हमर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एक्सपेंड कर दिया गया है। दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट काफ़ी दिनों से बंद था, उसे एक्टिवेट कर दिया गया है। 94 प्लस मैच डे शटल को, यानी दोस्तों प्राइवेट शटल को इंतजाम किया गया, हर दिन 94 से ज़्यादा उड़ाई जाएंगी। 3,000 बसों को चलाई जाएंगी, जिनमें से 750 इलेक्ट्रिक बस होंगी।
रोड नेटवर्क है उसे भी एक्सपेंड कर दिया गया है और बढ़ा दिया गया है। मेट्रो की टाइमिंग को बढ़ा दी गई, 24 घंटा में 22 घंटा मेट्रो को चलाया जाएगा। ट्रांसपोर्ट चैनल वगैरह प्लानिंग से ये सारी चीज़ों का दोस्तों इंतजाम कतर हुकूमत की तरफ से की गई। तो दोस्तों ये पूरी मुकम्मल जानकारी थी कतर फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। तो ये यदि कोई भी मन में आपके सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। मिलते साथियों नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।